हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिखावट को कैसे सुधारें। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था, सर मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मुझे सब याद रहता है, तब भी एग्जाम में नंबर कम मिल जाते हैं। तो इसलिए मिल जाते हैं कि आपका लिखावट सही नहीं रहता है। तो उसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 11 स्टेप है। अगर 11 स्टेप में से आप किसी एक स्टेप को छोड़ देते हैं तो आप श्योर है कि आप लिखावट में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करेंगे, कुछ तरीके हम देखेंगे लिखावट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका आपको कहाँ कहाँ जरूरत होती है आपकी हैंडराइटिंग के लिए। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है परीक्षा के दौरान। परीक्षा के दौरान अगर आपकी राइटिंग हैंडराइटिंग फर्स्ट इम्प्रेशन बनती है तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका राइटिंग बेकार रहा, पहला पेज ही बेकार रहा, तो उसी तरह अगला पेज देखेगा एग्जामिनर की उसी तरह दूसरा पेज है, उसी तरह तीसरा पेज है, तो उसी तरह आपको बहुत ही जनरल मार्क कर देता है, तो जिससे आपको कम नंबर मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे हैंड राइटिंग होती है फर्स्ट इम्प्रेशन एग्जामिनर को खुश करने के लिए, जिससे आपको 2 नंबर अधिक बढ़ाकर दे सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे हैंड राइटिंग कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है तो वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले स्टेप की। पहले स्टेप में आपको बैठने का तरीका बहुत ही लोगों को नहीं आता है कि कैसे बैठे। कुछ लोग एकदम झुक कर लिखते हैं, एकदम जैसे मेज पर लिख रहे हैं तो मेज पर एकदम सट जाएंगे। कोई लोग स्ट्रेट एकदम सीधे होकर कहेंगे, सीधे होकर लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, कोई कोई किसी को नहीं कहेगा कि आप एकदम झुक कर लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग सही होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जैसे कंप्यूटर चलाते हैं उसी तरह आप कंप्यूटर चलाना जानते होंगे, तो उसी तरह आपको बैठकर लिखा जाता है, सिंपल आप जैसे जानते होंगे। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। सब दूसरे स्टेप में क्या है, पेपर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं दो लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, पहले राइट हैंड से, सेकेंड लेफ्ट हैंड से, दो लोग होते हैं, दो लोग कैसे, अब कैसे आपको लिखना है। अगर आपकी जो भी कॉपी है तो राइट हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा सा इसे टिल्ड कर देंगे, इस तरह मोड़ देंगे, उस तब लिखेंगे, तब आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी। श्योर है आप ये कर देखिएगा, 100% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और उसी तरह लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा टिल्ड कर देंगे, थोड़ा सा झुका देंगे, तो वहां से आपको लिखना बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर से आप स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इधर से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा लिखने में। तो ये आप जरूर अपनाइएगा स्टेप नंबर सेकेंड। इसी तरह बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या बताया गया, पकड़ने का तरीका। कई लोग क्या करते हैं, एकदम इस तरह दबा कर पकड़ते हैं, कई लोग दूर पकड़ते हैं, कई लोग एक उंगली से, दो उंगली से पकड़ते हैं, कोई लोग 3 उंगली से, कोई पूरे उंगली से इस तरह पकड़ता है। तो पकड़ने का तरीका कई होता है, तो आपको कोई इसमें रोक नहीं है कि जिससे आपको आरामदायक पकड़ बनाए उसी से आप लिखिएगा। ये नहीं कि आपको कोई कह दिया कि एकदम दबा कर ली इस तरह पकड़ कर कलम को मजबूती से पकड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, अब कई बच्चे पूछे सर आप मतलब कैसे आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, तो आपको मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ। जैसे मैं एकदम इसी तरह पकड़कर लिखता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इससे सहायता लेता हूँ, सेकेंड वाली उंगली से और फर्स्ट वाली उंगली से या अंगूठे की सहायता से हम लिखते हैं। इसी तरह बात करते हैं स्टेप नंबर फोर की। स्टेप नंबर फोर, अक्षरों को पूरा और समान आकार में लिखे। जो भी अक्षर होता है उसे एकदम पूरा और समान आकार में लिखें। ये नहीं कि कहीं छोटा हो गया कहीं बड़ा हो गया, ये ऐसा नहीं करना है। कई बच्चे क्या होते हैं, शुरू में बहुत ही बड़ा बड़ा लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे छोटा कर लेते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल छोटा लिखते हैं तो बड़ा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए अपने
ये नहीं कि आप छोटा लिख दीजिए तब बड़ा, ये ऐसी नहीं बात नहीं। आप नए पेज से स्टार्ट कीजिए और एक बराबर अक्षरों में आप लिखिए। जैसे कोई भी शब्द हो गया, अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसे कैसे, जैसे समान आकार है तो उसे समान आकार इस तरह लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एकदम समान आकार में आपको लिखना है। इसी तरह हम बात करें अगले स्टेप की, तो ये स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, पक्का आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसी तरह बात करते हैं इम्प्रूवमेंट नंबर 5 की। इम्प्रूवमेंट नंबर 5 में ये कहा गया है, दूरी और अक्षर और शब्द के बीच आवश्यक दूरी बनाए रखें। ये नहीं कहीं हो, कई बच्चे क्या कहते हैं कि ये जो दूरी होती है, ये दो जो दूरी होती है एक सामान्य दूरी रहनी चाहिए, ये दूरी जो होती है सामान्य दूरी रहनी चाहिए। तो ये दूरी अगर आप सामान्य रखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होगी और देखने में जैसे ही अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। इम्प्रेस होने से आपको पक्का नंबर मिलना है। तो ये स्टेप आप फॉलो कर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 में ये कहा गया दबाव। दबाव आप जैसे आप लिखते हैं, कोई भी अगर आप अक्षर लिखते हैं तो आप ज्यादा दबा कर नहीं लिखेंगे, नहीं तो पीछे आपके पेज पे उग जाता है। तो जैसे ही उग जाएगा तो आप उधर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भले ही आपको फर्स्ट पेज पे इस पे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पीछे वाले पेज पे लिखेंगे तो वो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ज्यादा दबाव नहीं देंगे, हल्के हाथों से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। तो स्टेप नंबर 7, हमारा स्टेप नंबर 7 में आपको क्या है बताया गया है, शब्दों का झुकाव। शब्दों का झुकाव आप किधर से भी कर सकते हैं, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, आप जैसे लिखना चाहे उस तरह लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं। ये ध्यान रहे जैसे लिख रहे हैं उसी तरह फुल आप उसी पेज पे लिखते रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8 में बहुत ही बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, चाहे 9th के हो चाहे 10th के हो, बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अभी अनुभव नहीं हुआ रहता है लिखने का। भले ही कुछ बच्चों का हो गया हो लेकिन कुछ बच्चों को नहीं रहता है। तो अक्षरों और शब्दों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं लिखेंगे स्टेप नंबर 8 में। जैसे क्यू आप बनाते हैं तो क्यू इस तरह बनाते हैं, अगर नीचे एल बनाना हो तो एल इस तरह सट जाता है, तो ये गलत तरीका है। अगर आप क्यू बना रहे हैं तो क्यू को थोड़ा छोटा कर लेंगे, एल को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो वहां पे अच्छा रहेगा। लेकिन अभी आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको, अगर क्यू यहाँ पे है तो एल यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से इस तरह लिखिए तो वह अच्छा रहेगा। इस तरह मिलेगा नहीं, तो इस तरह मिल जाता है तो ये गलत तरीका है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की। स्टेप नंबर 9 में आपको क्या कहा गया है, कनेक्ट करना। शब्दों को कैसे कनेक्ट करके नहीं लिखा जाता है, जैसे आपको कनेक्शन आपको लिखना है तो कनेक्शन लिखने में डबल एंड आ जाता है, तो आपको इस तरह कई बच्चे क्या कहते हैं एक ही मिलाकर लिख देते हैं, ये गलत है। अगर मिलाकर ही लिखना है तो आप सही से लिखिए इस तरह, इस तरह तो इस तरह अच्छा रहेगा। तो अगर आप जैसे कनेक्शन लिखना है तो इस तरह लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कई बच्चे होते हैं इस तरह यही कर देते हैं, इस तरह तब लिखते हैं आगे, तो ये गलत तरीका हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको देखिए कहा गया है अक्षरों और शब्दों को मिलाकर न लिखें तो अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 8वां स्टेप, सॉरी 9वां स्टेप। अब बात करते हैं अगले स्टेप नंबर 10 की। स्टेप नंबर 10 में आपको क्या कहा गया है, अक्षरों को गोल आकार देने की कोशिश करें। सॉरी ये आकार है, देख लीजिए, आकार देने की कोशिश करें। गोल जितना गोल आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे टो बनाए तो टो को आपको देखिए थोड़ा गोल लग रहा है, ठ बनाए तो ठ भी आपको गोल लग रहा है, ज बनाए तो ज भी गोल, वो बनाए तो वो, इस तरह आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी में एक नंबर और आता है कि तो खड़ी, जो खड़ी खड़ी रेखा वाले अक्षर होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए मात्रा है, मात्रा एकदम देखिए खड़ी में लिखा गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी कोई इस तरह लिख दे, इस तरह लिख ले तो कैसा लगेगा, इस तरह उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जितना इस तरह अच्छा लग रहा है, देखिए तुम घर जाते हो हम सब भारतीय हैं, कितना अच्छा लग रहा है इस तरह लिखने में।
अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट स्टेप की। तो सबसे लास्ट स्टेप की बात करेंगे बैलेंस। बैलेंस करना आपको, आप सोचेंगे कई बच्चे बैलेंस कैसे किया जाता है शब्दों को, मैं बता रहा हूं कैसे किया जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। बैलेंस मतलब आप क्या समझते हैं, कोई एक बिंदु है, इस पे एक अगर डंडी ठड़ा करना है तो आप कैसे ठड़ा करेंगे, बिंदु है तो एकदम बीच में ठड़ा करेंगे कि नहीं, तभी ना आपका बैलेंस बचेगा बनेगा। तो बैलेंस कब बनेगा, जब आपका कोई इस तरह गोलाकार की है, इसमें डंडा रखना है, तो डंडा कैसे रखेंगे, डंडा एकदम बीच में रखेंगे तो आपका गोलाकार होगा आपका। तो इस तरह तो आइए हम देखते हैं कैसे इसे बैलेंस करते हैं। तो आपकी क्या कीजिए, को अगर आपको बनाना है तो को को एक डंडी ऊपर खींच लीजिए, एक इधर खींच लीजिए, आधा इधर, इसका हिस्सा आधा इधर, इस तरह आपको बहुत ही अच्छा को बनेगा। इसी तरह बात करते हैं फो की। तो फो को इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, इस तरह फो आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह आप लिखेंगे, इसी तरह कोई बच्चे इस तरह लिखते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये गलत तरीका है आपका। इसी तरह ये तो सिंपल हो गया। अब आता है मात्रा की। मात्रा में आपका दो प्रकार का होता है, एक ये बड़ी वाला है, सॉरी ये बड़ी का एक छोटी का। तो इस तरह एक होता है बड़ी का एक छोटी का। तो पहले हम बात करते हैं छोटी का। तो छोटी का आपका जो रहता है वो इस तरह दिया जाता है कि ये जब स्टार्ट हो तो पो का जो खड़ी है इससे इससे टच हो, ठीक ना, इससे इससे नहीं टच होना चाहिए, इससे और इससे टच होना चाहिए, और इससे टच होना चाहिए, ना कि इससे टच होना चाहिए, ये गलत तरीका है। इसी तरह ओ और औ की बात करें तो ओ में भी आपको जो अ वाला मात्रा होता है इससे टच होना चाहिए, इससे टच होना चाहिए दोनों मात्रा, ये नहीं कि ये इससे टच हो, इससे गलत हो जाएगा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें तो इससे टच हुआ तो इसमें भी तो इससे टच रहेगा, ये नहीं है, जिससे मात्रा रहेगा अ का इसी से टच रहेगा। और इसमें देखिए इस तरह गलत तरीका है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ही आपके लिए बहुत ही, आपको मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा रहता है बैलेंस करना। अगर जितना अच्छा बैलेंस करते हैं उतना ही अच्छा आपकी राइटिंग होगी। तो बैलेंस करना धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो एक वीडियो और भी मैं आपको बना कर दूंगा और लिख कर समझाऊंगा कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे एक और स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पे पेन का चुनाव। पेन का चुनाव कैसे करें, आप लोगों ने पूछते हैं सर आप किस कलम से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो मैं जेल कलम का यूज करता हूँ, सीधी सी बात है आपको तो आप देख ही रहेंगे। और पायलट कलम का भी मैं यूज करता हूँ, ग्राफिक्स कलर का भी यूज करता हूँ, लिंक्स हो गया, यही सब मैं कलम का यूज करता हूँ। तो पेन का चुनाव कैसे करेंगे, तो आप जो आपकी लिखावट को अच्छा परवा दे, आपको लिखने में अच्छा करे, आपको जो अच्छा लगे वो लेंगे। और ये भी देख लेंगे कि स्याही फैले ना, कई लोग जेल कलम यूज करते हैं तो स्याही उनकी फैल जाती है, तो अच्छा कलम नहीं लिए रहते हैं। तो आप अच्छा कलम लेंगे तो आपको सब अच्छे से लिखावट होगी, जो अच्छा परवा दे। अब बात करते हैं, ये सब तो हो गया, आप सोचेंगे लिखावट तो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई नहीं, आप लोग सोचेंगे कि मेरी लिखावट इम्प्रूवमेंट हुई नहीं, तो लिखावट को कैसे सुधारें, तो आपको मैं बता दूं लिखावट को कैसे सुधारें, तो रोज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको, अब जानते हैं कि हम 9th या 10th में है, तो आप हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप जो भी याद करते हैं उसे आप लिखते रहिए, लिख कर याद करेंगे तो देर समय तक याद होगा, अच्छे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो रोज सुबह लेखन का अभ्यास करना होगा आपको सुबह उठकर, तो बहुत ही अच्छे फायदेमंद होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर इम्प्रूवमेंट आपको मिलता है 10 दिन के अंदर आपको 100% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर लगातार 10 दिन तक आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर मिलेगा तो तब आकर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, हाँ सर आपको इम्प्रूवमेंट मिली है, तो तब जाकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है तो आप जो भी वीडियो का चाहे वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।